नारायण 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 श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। चतुर्थाध्याय। सूर्य जी बोले, वैसे न मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर डंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चली गई। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। दंडी के जाने पर वैसे ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंत ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी में पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने दुष्ट हो उसके पति का नाव सहित पानी में डूब गया। कलावती अपने पति को न देख रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान की जय हो।